हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजीत सिंह। आई एम इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। माय यूट्यूब चैनल नेम इज इकोनॉमिक स्टडी क्लब। मेरे इकोनॉमिक स्टडी क्लब पर जो भी वीडियोस हैं उनको देखने से पहले प्लीज उनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं अपने इकोनॉमिक स्टडी क्लब में आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आज को मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक को समझने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इज इक्वल टू होता है। सपोज एक इक्वेशन ली हमने 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। मींस बीजगणितीय व्यंजक। जो बीजगणितीय व्यंजक होता है वो वेरिएबल से मिलकर बना होता है, उसमें चर जरूर होते हैं, चर से मिलकर बना होता है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन ली है। अब मैं इसमें आपको समझाता हूं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर। चर वे राशि होती हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि दो चर हैं, एक तो x है और एक y है। इनका मान कैसा, इनका मान जो परिवर्तनशील है। तो x और y क्या है, x और y चर राशि है, वेरिएबल राशि है। दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी बोलते हैं अचर राशि, अचर राशि बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो वेरिएबल से मिलकर, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल तो हमारे पास हो गए यहाँ पर 2x और ये 3y, x और y हो गए। अब बाकी जो पार्ट बचता है जैसे माइनस टू, माइनस टू में क्या, 2 क्या है, इसका कांस्टेंट पार्ट है इसको। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट को मिलाकर बनता है। इट मीन्स वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स चर व अचर राशियों का योग बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं इसके बाद। इक्वेशन में एक तो वेरिएबल होता है, एक आपको कॉन्स्टेंट समझाया। अब नंबर थर्ड आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स बोलते हैं गुणनखंड, गुणन खंड। अब फैक्टर क्या है, इसमें हमने कोई एक टर्म ले ली भाई, एक तो x टर्म में, एक y टर्म में, तो हमने एक टर्म ले ली 2x। अब 2x के में फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर, इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 2 फैक्टर है, एक इसका x फैक्टर है। ऐसी 3y, 3y के भी दो फैक्टर है, एक 3 है और एक y है। क्लियर। इसके बाद फैक्टर के बाद चलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं हिंदी में गुणांक। अब गुणांक की बात करते हैं तो एक कोई टर्म ले ली हमने, 2x हमने एक टर्म ले ली है। अब 2x में जो हमने ये पूछते हैं कि इसके x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या, सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2 है, तो x का गुणांक क्या होगा 2। ऐसी 3y, 3y में y का गुणांक क्या है 3 है। क्लियर। ऐसे आगे और भी कुछ पूछ सकता है इसमें। सपोज करो कोई एग्जाम्पल इन्होंने लेकर दिया कि 2xy में y का गुणांक क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताएंगे, y का गुणांक देख लो केवल ये है, क्या है इसका y का गुणांक 2x। क्लियर। चलिए अब चलते हैं इसके बाद। टर्म, टर्म क्या होती है, पद क्या होते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लाइक और एक होते हैं हमारे अनलाइक। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल जो चर राशि होती है वो समान होती है, जैसे 2x प्लस 3x, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म है, ये भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या हो गया, लाइक टर्म है। ऐसी अनलाइक क्या होते हैं, जहां पर दोनों चर राशि अलग अलग होती है, जैसे 2x प्लस 3y, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल क्या, वाई है, ये कैसे हो गए, ये अनलाइक टर्म हो गए। क्लियर। इसके बाद
आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार, टाइप्स। टाइप्स के बताएंगे प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बीजगणितीय व्यंजक। नंबर एक, एक पदीय व्यंजक। क्या होते हैं? एक पदीय व्यंजक होते हैं। एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं? एक पदीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें केवल एक पद आता है, जैसे 2x, 3y या फिर 2xy, ये क्या होगा जिसमें केवल एक पद आता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक पदीय को मोनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर टू होते हैं द्विपदीय व्यंजक, बाइनोमियल्स बोल देते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइनोमियल्स। द्विपदीय व्यंजक में क्या होते हैं? दो पद तो होते हैं लेकिन वो दोनों पद अनलाइक होने चाहिए, जैसे 2x + 3y, तो ये हो गए द्विपदीय व्यंजक। क्लियर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं इसके बाद, तीसरा त्रिपदीय व्यंजक, ठीक। त्रिपदीय व्यंजक को ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं। त्रिपदीय व्यंजक में तीन व्यंजक होने चाहिए, तीनों जो है अनलाइक होने चाहिए, जैसे x + y + z, कैसे तीनों अनलाइक हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिपदीय व्यंजक। एक नेक्स्ट होता है चतुर्थ पदीय व्यंजक, ठीक, क्वाड्रिनोमियल्स बोल देते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। जो चतुर्थ पदीय व्यंजक होते हैं उसमें जो चार व्यंजक होने चाहिए, चारों जो अलाइक होने चाहिए, जैसे x + y + z + 4, ये कैसा हो गया? ये अलाइक व्यंजन है और ये इसमें चार पद हैं, तो ये हो गया चतुर्थ पदीय व्यंजक। ये तो थे व्यंजक के प्रकार। अब बताएंगे व्यंजकों का जोड़ और घटाना, कैसे उनको जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है। देखिए आप, जोड़ मीन्स एड कैसे किया जाता है। सपोज करो कोई एग्जाम में पूछता है कि 3x + 2y में x + y जोड़िए, 3x + 2y में x + y जोड़िए, तो क्या करेंगे इसमें? 3x + y प्लस जोड़ना है x + y। अब जो लाइक टर्म है उनके एक साथ लिख लो, 3x + x + y + y, तो 3x ये रहा, 1x ये रहा, ये हो गया 4x, 1y ये रहा, 1y ये रहा, ये हो गया 2y, ये हो गया 4x + 2y, इस तरह से इसको जोड़ा जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद घटाओ, घटाना, ठीक, सब्ट्रैक्शन, कैसे घटाते हैं? कोई उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि 2x + 3y में से x + 2y को घटाओ, 2x + 3y में से x + 2y को घटाओ। देखिए इसमें से घटाना है इसको, तो पहले इसको लिखेंगे 2x + 3y, इसको घटाना है तो माइनस लिख लिया ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे उसको x + 2y, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप 2x + 3y, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस का चिन्ह क्या होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस x, ऐसी माइनस प्लस माइनस 2y। अब लाइक टर्म एक साथ लिख लो, 2x - x + 3y - 2y, तो ये 2x है, ये 1x है, तो क्या बचा? x बच गया। ये 3y है और ये माइनस के 2y, तो बड़ा क्या 3y है, तो प्लस का साइन उसका, तो प्लस का साइन आएगा, 3y में से 2y गया, 2y बचा, तो इसका आंसर क्या है? x + y, ये इसका आंसर है, ठीक। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद चलते हैं हम फैक्टर्स की बात करें, गुणनखंड। अब एग्जाम में आपको दे दिया उसने फैक्टर्स पूछने के लिए कि 2pq
क्यू स्क्वायर आर के गुणनखंड बताइए, इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, देखिए कि टू का तो टू हो गया, पी का भी पी हो गया कॉमा लगा के, क्यू का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू कॉमा क्यू, ठीक, आर का सिंगल, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, टू पी क्यू स्क्वायर क्यू कॉमा क्यू ये आर, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर्स के बाद चलते हैं कोफिशिएंट पर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणांक। अब कोफिशिएंट पूछने लगा, कोई एग्जांपल उन्होंने दे दिया कोफिशिएंट का कि 2xy में y का गुणांक क्या होगा, 2xy में y का गुणांक क्या होगा, अब y का गुणांक में क्या है, 2x है, तो y का गुणांक क्या हो गया, 2x हो गया, क्लियर, एक ही हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है कि -7x में x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या, -7, तो क्या लिख देंगे इसको, -7, ठीक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कि -x में x का गुणांक क्या होगा, -x में x का गुणांक, आप देखो भाई माइनस ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई अगर 1 है, 1 या 1 की मल्टीप्लाई अगर x से करें तो x ही आता है, तो इसका क्या गुणांक होगा, -k1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -k1 होगा, ठीक। आज का टॉपिक यही था, पूरा टॉपिक मैंने आपको आज समझा दिया है। अब प्लीज ये वीडियो को प्लीज लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और जो चीज समझ में नहीं आया आपको कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।